अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर अफियत से होंगे। अच्छा विने एक बंदा जड़ा ना ये पट्ठे कटदा पिया है, तो पूछते हैं किस तरह कटता है पिया। सज्जन की करता पिया यार है पट्ठे भाईजान कटाई कर रहे हैं पट्ठे दी ओ दात्री वगैरह ना आगे कट दिया है, तो ये की है थोड़ी देर दे विच ही इस बंदे ने काफी ज्यादा ए वड्डे जे जेड़ा इंदे कोल दात्रा है इंदे नाल इन्हें पट्ठे वड लैन। हुण ते गांव दे बंदे भी जेड़े ना बड़ी तरक्की कर गए ते बड़े ओ आंदे ना नफीस हो गए हैं। दात्री ना कोई बंदा भी पट्ठे नहीं वढ़ता, हर बंदे की कोशिश होंगी कोई यह जहाँ मामला असी सलावे कि जल्द तो जल्द पट्ठे वढ़ते वेले हो जाइए। किन्ने को वढ़ने नहीं इंदे नाल रेहड़ी पूरी वढ़ने रेहड़ी तो किन्ने को मिंट तक इस वड्डे कापे ना रेहड़ी वढ़ी जासी पट्ठिया की भी रेहड़ी हो जासी 15-20 मिंट के विच। अगर दात्री ना वढ़दा तो फिर कितनी देर लगे आई फिर एक जने दे दो घंटे। सज्जन कहंदा पिया अगर दात्री ना पट्ठे वढ़दा तो फिर दो घंटे यानी कि दो घंटे दे विच ए रेहड़ी पट्ठिया की वढ़नी सी, तो यह जिहड़ा कापे दे नाल वढ़दा पिया इहदे नाल ए 15 मिंटां दे विच उह सामने तुसीं वेख रहे हो इहदी रेहड़ी खड़ी है। ये 15-20 मिंटां दे विच ये पूरी रेहड़ी पट्ठियां दी वढ़ लवेगा बड़े भाई तरीके नाल वढ़ रही है भाई। यार इंदे नाल तो बड़ी जल्दी जल्दी पट्ठे वढ़ींदे ने बिल्कुल साफ यार। नहीं अद्धे घंटे दे अद्धे घंटे दे दो रेहड़ियां पट्ठे वढ़ सकदा है एक बंदा इस कापे दे नाल। आ जिहड़े वड्डे वड्डे आवे बूटे खड़े ने ये क्यों नहीं वढ़दा पिया है? ये बी वास्ते ठल्ले ने इसलिए पक जासन ते इंदा बी बना सो बी बना ते कोई बी रख ले बकाया तेल बजा गावा वास्ते। ये जिहड़े बूटे खड़े ने ये राई दे हैं ते इन्हां ठल्ले ने कि इन्हों का बीज बनाने वास्ते जिसले बीज बनेगा कोई ये जड़ा ना तेल कटा लवन गए मझा गावान देने वास्ते तो कोई आने वाले साल वास्ते ना ये दोबारा बीज रख लेना पट्ठिया का।